वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे ये ब्रेक इतनी आसानी से ब्रीज होता हुआ जूम निकल गया, ऐसे ही सरकार को लगा कि 15 नवंबर से कर देना चाहिए फास्ट टैग। तो NHAI यानी कि नेशनल अथॉरिटी हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तो 15 नवंबर से हुआ 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से हुआ 15 जनवरी। तो ये जो इनका जो डेडलाइन है वो तो आगे बढ़ती जा रही है, पर क्या इससे गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी है? फास्टैग स्लो डाउन आज का टॉपिक है। और मुद्दे की जो बात है ना, मुद्दा वो ये है कि ये जो फास्टैग लाया गया था ये इसलिए लाया गया था कि सारी की सारी गाड़ियां फास्टैग फॉर अ रीजन, टाइम भी बचे। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो हमारे पास इधर है राग, राग का मानना है कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है क्योंकि इनसे इनका टाइम बहुत बच रहा है, इनका टाइम बहुत सेव हो रहा है। और इधर है शुभ्रो, शुभ्रो के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और जब से ये फास्टैग आया है काफी स्लो हो गया है, इनकी जिंदगी स्लो हो गई है। हाँ, तो शुभ्रो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, तो ये जो परेशानियों का ये जो दौर चल रहा है, क्या परेशानी है, ये अभी से चल रहा है या फिर इसके बाद शुरू हुआ? नहीं नहीं, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो डिबेट के लिए ये एलीट आदमी आए हैं सामने जो गाड़ियों के साथ फास्ट लाइफ करने की सोच रहे हैं, इनको एक छोटी सी चीज पता नहीं है कि हाईवे में प्राइवेट गाड़ियां वेकेशंस के लिए कम चलती हैं, ट्रकें और लॉजिस्टिकल मूवमेंट ज्यादा होती है। सो अनफॉर्चुनेटली इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी कितनी दिक्कतें हो रही है। ठीक है, ये एक बात जो इनकी जो यहाँ से निकल कर आई वो ये है कि टाइम बच रहा है। Exactly. टाइम बच रहा है। I'm reaching office early. I'm a more productive citizen. ये देखिए, प्रोडक्शन में भी इनका वैसे तो हार्ड टाइट है, लेकिन ये कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ा ली है। देखिए, जैसे आपने इसको जैसे शुरू किया, आपने इस डिबेट को, आपने बोला कि 15 नवम्बर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, एंड ये जो टाइम बचाने की बात हो रही है, अभी तक तो मुझे टाइम बचते हुए दिख नहीं रहा। So that's a अभी तक की इम्प्लीमेंटेशन तो हो नहीं पा रहा ढंग से। और अभी हम जैसे लोगों में दिक्कत आ रही है कि भाई ये फास्टैग चीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ ट्रक पीपल आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। टीथिंग प्रॉब्लम नहीं सर, अगर आप गहराई में जाइए, यही तो मेजर प्रॉब्लम है नॉर्मल लोगों को जो ट्रक चला रहे हैं। अरे यार, उनको पहले आप ट्रूली केयर अबाउट, कैसे कर रहे हो? इफ यू ट्रूली केयर, इफ यू ट्रूली केयर अबाउट योर ट्रक ब्रदरिंग, यू अंडरस्टैंड कि टोल टैक्स में ये वो दे गेट मोर हरास्ड, क्योंकि वहां पर अरे और पैसे दो, नहीं जाने दोगे। द आइडिया इज इफ यू डिजिटाइज द पेमेंट, इट्स ऑल ऑनलाइन, वो कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो रिश्वत, देयर इज नो ब्राइबरी। आई नो दैट्स द सेम थिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू नो, टेल एवरीवन, आई नो दैट रिश्वत इज हिंदी का ब्रांड। बहुत अच्छा, लेकिन जो इनका पॉइंट ये जो आज बना रहे हैं, दूसरी बात 400 रुपए लगते हैं, करीब 400 रुपए लगते हैं एक फास्टैग लगाने के लिए, 500 रुपए लगते हैं उसमें 150 रुपए आप रिडीम कर सकते हैं। बिल्कुल, वो 350 रुपए मैं सरकार को दे रहा हूँ किस बात के लिए? बट वो तो ये तो है पहली बात, बहुत बढ़िया सी चीज़। नहीं नहीं, मैं तो लॉजिकल, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग फ्रेंड, बट आई मीन अगर 1 करोड़ लोगों ने ये खरीद लिया तो 350 करोड़ का तो भाई साहब प्रॉफिट हो गया। तो ये मुझे क्यों लग रहा है ये कमाई योजना है? अच्छा, हम सोच रहे हैं कि समय बच रहा है क्योंकि इतने सारे ट्रक लॉरियां चल रही हैं, इससे ही तो कमाई हो सकती है। चलो, आप इन्होंने बोला कि ये वेट होता है, लेट होता है, टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, एक जगह ढंग का कुछ बनाया है नहीं, वहां पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अभी भी लाइन में लगे हैं ट्रक वाले, रात को बॉर्डर पार करेंगे। यू आर एंजॉयिंग द नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर आई एम लविंग इट, यस, इवन एज अ ट्रक ड्राइवर, बट हाउ डू यू थिंक वी कैन अफोर्ड टू बिल्ड सच गुड हाईवेज? इट्स ओनली इफ यू एक्चुअली गिव बैक, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ टोल्स। सो इफ राइट नाउ टोल हैज बीन गिवन फॉर इयर्स, टोल हैज बीन गिवन, राइट, बट व्हाट अबाउट अ मोर स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस? सो दैट डजंट मेक द टाइम बच रहा है। एग्जैक्टली,
बचेगा, बच रहा है नहीं, बचेगा। अगर ये देखिए जो आप बड़े कन्विंसिंगली बोल रहे हैं कि टाइम बच रहा है, अभी तक तो हुआ ही नहीं है। ये तो एक अभी भी देखिए, हम जो भी जैसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं वो ऊपर से बात करते हैं, पहले देखिए ना उसको इंप्लीमेंट तो कीजिएगा। आपका टाइम बच रहा है हाँ या सबका टाइम बच रहा है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट? द थिंग इज माय टाइम इज गेटिंग सेव्ड एंड दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन आई डोंट नो व्हाटएवर ही डज। हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो ऑन अ हाईवे एवरी डे? Where are you? Like every day are you traveling from one city to the other city? I mean, the thing is the NCR, exact NCR and capital. I hope you understand. No, no, I'll just give you an insight that I hope you understand. It's been implemented only on NHAI, like only national highways. Of course, it's sir. Not on expressways. Of course. If you're thinking aap Noida se Delhi aa rahe hain, to wahi FASTag ka problem hai. I just thought like you might be in a confusion. No, sir, any national highway, if at any point you are traveling through a toll booth, you realize that if even your driver is a bit unaware, right? I'm assuming you are in this business. Some of your drivers are unaware ki toll kitna hai ye wo. They get hoodwinked. There are gundas over there flying PCR vans that go ahead and then muscle out some money from them. Aram se, you are the owner, you pay for the FASTag, lagaiye and let your drivers also enjoy it. Aap kyun chindi bana rahe hain? Aap kyun chindi bana rahe hain? Main dekho, itna simple bana rahe hain. Main to mana nahi kar raha. Itna simple kar do, hum to sabse pehle hum khush honge. Yahan par cheeze bahut sari charge ho gayi hain. Lekin agar FASTag ke liye agar aap humse charge kar rahe hain, he's lying about license. He's lying about the FASTag license to lao pehle. He's not even lying. Yaar, main bata nahi paunga ki yahan par email ID aa gayi hai. Are, but yahan par log bhi hain. To unke upar aayi hai na. Oh, watch out. उस ईमेल आईडी पर आप लिखें, मेल करें, हमें बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक पर आप हमारी नॉलेज को। बट थिंक अबाउट द ट्रक ड्राइवर्स गाइस, थिंक अबाउट द ट्रक, ही इजंट, ही डेफिनेटली एंड नॉट द एलिटिस्ट पीपल, ही इजंट एट टाइम्स गोइंग ऑन हाईवे टन 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 टन।